अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। यहाँ पर हो रही है मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट। आज मैंने सोची कि मॉर्निंग से व्लॉग बनाते हैं। गोश्त को पानी में डाल दी क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, और बच्चों के लिए यहाँ पर चाय और रात की जो बासी रोटी होती ना वो तली, क्योंकि आलिया सना को बासी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। व्लॉग बनाने के चक्कर में जो है ना रोटी जल गई। मैं ट्राईपॉड के अंदर जो है कैमरा सेट कर रही थी, तब तक जो है रोटी जल के राख हो गई। तो एक पराठा अच्छे से मतलब फ्राई हुआ, दूसरा जो आधा था वो जल गया। तो अभी बच्चों ने जो है कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ। नाश्ते के बाद फिर वो लोग के बाल बनाती हूँ, क्योंकि बाल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो बाल बनाने के बाद तुरंत वो लोग निकल जाते हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी इसको जो है पार्टीशन कर रही हूँ मैं कैंची से। मुझे लगा कि ट्राईपॉड में से दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा था, तो मैंने कैंची से इसके दो पार्टीशन कर दी। कैंची जो है किचन की है, जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा। किचन के लिए भी मैं एक कैंची रखती हूँ ताकि कुछ भी ऐसे काटने के लिए ईजी हो जाए। और मॉर्निंग में मेरा फेस इतना ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि सुबह का टाइम है। मैंने सोची आज सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को ब्लॉग्स वगैरह नहीं दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आती है कि आफरीन आप नीचे चले गए अभी रहने के लिए, बहुत दिनों से आप ब्लॉग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, क्या बात है सही से ब्लॉग वगैरह नहीं बना रहे हो। तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया अभी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करते रहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करूँ, क्योंकि आप सब लोग भी मेरी फैमिली हो। और मैंने जब ये शुरू करी थी तो मैंने आप सब लोगों को एक फैमिली की तरह मानी थी, तो मैंने सोची कि चलो स्टार्ट करते फिर से थोड़ा सा जाग जाते हैं। तो यहाँ पर चाय निकाली मैंने दोनों बच्चों के लिए, और इसके तीन पार्टीशन हो गए, एक जो जल गया ये लोग दोनों खाएंगे, और उसके बाद जो है मैं इन लोग के बाल बनाऊंगी। तो आप लोगों की मॉर्निंग कैसी होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो है ना मैं इन लोग के रिबिन से बाल बना रही हूँ। रिबिन से बाल बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल था पहले, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। क्योंकि बोलते ना कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है जब तक हम उसको करते नहीं हैं, हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, उसके बाद जब मैंने देखी और सीखी तो दो तीन बार थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन उसके बाद हो गया सही से। और अब जो है मैं फटाफट बांध देती हूँ रिबिन। लेकिन इतना है कि माशाल्लाह लोग के हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गए, तो बाल बड़े होने की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है रिबिन बांधने में। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, करने बैठो तो बोलते ना मंजिल आसान हो जाती। तो अगले दो साल के बाद तो फिर मुझे तीनों के सुबह बाल बनाना पड़ेगा, सब तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों के हेयर बन गए, और क्या बोलते हैं अभी जाने का टाइम हो गया। तो आलिया जो है निकल गई बैग लेके। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रेनकोट वगैरह पहन के जाना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश नहीं हो रही होती है। ये सना फिर से आ गई, इसका मन नहीं लगता है, ये 2 बार आके जाती है। और यहाँ पर गैलरी में से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये लोग जो है निकल रहे हैं। बारिश नहीं हो रही थी, रात में बारिश बहुत हुई लेकिन सुबह नहीं हो रही थी उस टाइम पर। तो आज का है दूसरा दिन, है मैं एक दिन व्लॉग बनाती हूँ, 2 दिन नहीं बनाती, 2 दिन गायब हो जाती हूँ, तीसरे दिन थोड़ा सा बनाती हूँ, फिर उसके बाद वापस गायब हो जाती हूँ। तो मेरा गायब चलता रहता है ये खेल। तो आज का दूसरा दिन है, और आज मैंने जाकर लेकर अलीना को स्कूल से, क्योंकि ये नहीं थे घर पे इसलिए मैंने जाकर लेकर आई। और बाहर बरसात का मौसम है, वहाँ पर हमारे झाड़ लगे हुए हैं। कैसे लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो अच्छा लगता है, यहाँ से व्यू थोड़ा ठीक है, अभी मन लग गया थोड़ा ये घर में। पहले मन नहीं लग रहा था लेकिन अभी मन लग गया। और ये लोग तो आप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी देखो मैं अपना ट्यूशन का होमवर्क कर रही हूँ। वेरी गुड, अभी 7 बजे ट्यूशन है, तो अभी ये होमवर्क करिए। और क्या बोलते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा बोलते ना, अभी हम सही में हम लोग जो मार्केट से शॉपिंग करते ना उसकी बात अलग ही रहती है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बात अलग ही रहती है। जैसे कि आप लोग सब ने देखे होंगे कि मैंने 3 टिफ़िन मंगाई थी, जिसमें से एक ब्लू कलर का था 200 वाला। उसका जो है अंदर के छोटे वाले जो कंटेनर था उसका ढक्कन टूट गया आलिया घर से, तो इसके लिए मैंने आलिया के लिए दूसरा टिफ़िन ऑर्डर करी फ्लिपकार्ट से। और ऑर्डर करने के बाद अभी 1 हफ्ता होने आया ऑर्डर करके, अभी कल का डेट था, कल आया नहीं, और आज का डेट है था, फिर आज का डेट दिया सुबह, कल भी दिन भर पूरा वेट करी मैंने, आया नहीं। आज सुबह से वेट कर रही हूँ मैंने, फिर फ़ोन नंबर आज सुबह आया डिलीवरी बॉय का, मैंने फ़ोन की तो बोला मैं 4-5 बजे तक आता हूँ, 4-5 बजे तक मैंने इंतज़ार किया, मुझे अलीना को लाने जाना था, तो मैंने फ़ोन की तो बोलता है मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैंने बोली जब मैं घर पे हूँ नहीं तो पार्सल देके तुम किसको पार्सल देंगे, मैं तो जा रही हूँ मेरे लड़के को लाने के लिए, घर पे तो कोई है नहीं। तो बोलता आजू बाजू में किसको भी देके जाओ, ऐसे कैसे हम किसी को भी पैसे देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो बिल्कुल भी शांत नहीं रहने का, अभी मैं उसकी कंप्लेन करूँगी। और मुझे डायरेक्ट ये भी बोल रहा है फ़ोन पर, हाँ जाओ कंप्लेन कर दो मेरी। तो ऐसे भी कुछ कुछ अड़ियल लोग रहते हैं, बोलते ना ऑनलाइन भी ऐसे लोग मिलते हैं हम लोग को मार्केट में, क्या है हम लोग बोल के ख़त्म कर देते, वापस करने चले जाते, कभी भी लेके आओ कभी भी लेकर जाओ, लेकिन ऑनलाइन भी ऐसे अड़ियल दिमाग के लोग रहते हैं।
तो आज बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है मुझे। अगर अभी देखो मैंने 7 बजे तक बोली थी उसको आने, वो बोला था मैं आधे घंटे में आऊँगा, अभी 7 बजे तक आया तो ठीक है, अगर 7 बजे तक नहीं आया तो फिर देखेंगे उसे कंप्लेन करेंगे। और क्योंकि देखो ऐसा करना सही नहीं, वो मुझे सामने से बोल रहा है कंप्लेन करो मेरी, एकदम धमका के बोल रहा है, तो फिर वो बोल रहा है तो करेंगे फिर अपन। क्योंकि इन लोगों को ना बहुत बोलते ना अपन ये सोचते कि नहीं भाई ये लोग भी कमाने खाने वाले हैं, लेकिन अपन भी तो वही है ना, कितने दिन हो गया अलीना को टिफ़िन में वो पुराना वाला प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना दे रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया। और मार्केट में ढूंढने जाना है तो ये ऐसे टिफ़िन जल्दी मिलते नहीं, बहुत कम जगह पर मिलते ऐसे टिफ़िन जैसे मैंने मंगाई हुई मतलब स्टील के अंदर से, तो इसकी वजह से ऑनलाइन जल्दी मिल जाती है, जिसको इंसान सोचता है कि चलो ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं ना, ऑफलाइन ढूंढने से अच्छा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और ये लोग अभी होमवर्क कर रहे हैं, चिप्स खाते खाते इसका भी होमवर्क चालू है। तो मैंने आते आते लेकर आई चमकोरे के पत्ते, पर मुझे ना थोड़े से अजीब लग रहे हैं, है तो वैसे ही सेम दिखने में, लेकिन पता नहीं दिल ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है वो अलग रहते ये अलग है सेम है, बिल्कुल सेम है जैसे गांव में बनाती हूँ ना मैं वैसे। खाओ ना, अरे खाओ तो बस है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ा देर में। जैसे कि हो गई शाम और मैं वापस वैसी बैठी वाली दिख रही हूँ आप लोगों को, बस साइड चेंज है, दूसरे साइड में हूँ, और लेकिन घड़ी में देख सकते हैं आप लोग रात के, अरे बाप रे दिख रहा नहीं, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, रात के बज रहे हैं और बाप रे 1:45 और 1:45 बजे रात में ये लोग देखो नीचे चाशनी बना रहे हैं, मुहर्रम के शरबत की चाशनी बना रहे, कल मुहर्रम की 10वीं है तो कल बनेंगी, कल बनेगा शरबत। तो यहाँ पर सना है, उधर है अलिया लेटे वाली, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये लोग का चालू है मोबाइल, यहाँ पर हमारी घड़ी, और ये टाइम हो रहा 2 बज रहे, चलो 11 में से देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर बन रहा है शरबत, शरबत का चाशनी दिख रही है शायद से, मुझे चाशनी बन रही है, कौन हिला रहा है पता नहीं, दिख नहीं रहा है कौन हिला रहा है। और बाकी यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, ऐसा बहुत दूर लग रहा है, ये देखो बंद कर दी क्योंकि यहाँ से अजीब दिख रहा है, पता नहीं कौन चाशनी बना रहा है। और यहाँ पर शायद कुछ बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है, ताज़िया बन रहा है लगता, सब लोग नीचे है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग जो है लगे हुए बना। जो ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं, कैसे लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस।